सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूँ विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इमेज को कंप्रेस कैसे करते हैं, यानी कि उसकी साइज कैसे कम करते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पेज ओपन है। सबसे पहले हम आपको इमेज दिखा देते हैं जिसकी साइज हम कम करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सहायता से। ठीक है, तो फिलहाल इसको मिनिमाइज करते हैं और डेस्कटॉप पर चलते हैं। तो ये देखिए, ये रही हमारी इमेज। राइट क्लिक करके जब हम प्रॉपर्टीज पर जाएंगे तो यहाँ पे मैं आपको इमेज की साइज दिखा देता हूँ। इसकी साइज आप देख सकते हैं 831 KB है। ठीक है, 831 KB है। अब इसकी साइज जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सहायता से कम करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पेज दोबारा से ओपन कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो इमेज को यहाँ पर लाना बड़ा आसान है, सिंपल इसकी साइज थोड़ी सी छोटी करिए और इमेज को पकड़ के यहाँ पर ड्रैग कर दीजिए। तो बस आपकी इमेज आप देख रहे हैं यहाँ पे पेज पर आ गई। उसके बाद हम साइज अपनी बड़ी कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो इमेज को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो चारों ओर देखिए छोटे छोटे सर्कल दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जब इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे तो एक नया टैब ऊपर दिखाई पड़ेगा, फॉर्मेट टैब। ठीक है, याद रखिएगा ये टैब आपको तभी दिखाई पड़ेगा जब आप इमेज सेलेक्ट करेंगे। अगर सिलेक्शन हटा देंगे तो ये टैब यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मेट टैब पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, हमने क्लिक कर दिया फॉर्मेट टैब पर। अब नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, हमको चलना है लेफ्ट हैंड साइड में और यहाँ हमारा ऑप्शन है ये कंप्रेस पिक्चर का, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जब आप कंप्रेस पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो देखिए छोटा सा विंडो आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, पहले तो ऑप्शन को आपको कुछ नहीं करना, नीचे में जाना है रिजोल्यूशन पे। ठीक है, रिजोल्यूशन पे यहाँ पर आपको 6 पॉइंट्स दिख रहे हैं, फिलहाल हमारे सामने 4 पॉइंट ही विजिबल हैं, ऊपर के 2 पॉइंट विजिबल नहीं है। उसका कारण यह है कि पिक्चर का साइज कम है। अगर ये थोड़ा और बड़ी पिक्चर होती तो ये दोनों साइज भी, यानी हाई डेफिनेशन साइज भी, ये जो है ये जो मतलब पॉइंट्स हैं ये विजिबल होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल 4 पॉइंट्स हैं, इन्हीं में हमें साइज कम या ज्यादा करनी है। तो मान लीजिए कि हम दूसरा वाला ऑप्शन ले लेते हैं, इसको हमने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सब में साइज जो होगी पिक्चर की, सॉरी इमेज की, वो अलग अलग आएगी। ठीक है, तो हमने ये ऊपर से दूसरे वाले साइड को, मतलब जो विजिबल था यहां से, इसको सेलेक्ट कर लिया। वैसे ऊपर से चौथा है लेकिन यहां पे क्योंकि विजिबल है तो दूसरा ही है। ठीक है, तो इसको हमने यहां पे सेलेक्ट कर लिया, वेब 150 PPI, गुड फॉर वेब पेजेस एंड प्रोजेक्टर्स। ठीक है, ये इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहां पे हमने ओके पे क्लिक कर दिया। ठीक है, हमारी पिक्चर कंप्रेस हो गई। अब इसको सेव कैसे करेंगे, वापस से यहां राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ देखिए सेव एज ए पिक्चर करके ऑप्शन आपके सामने आ जाता है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब ये आपसे पूछ रहा है कि कहाँ पिक्चर सेव करना चाहते हैं, तो वापस से हम डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे नीचे फाइल का नाम दे देते हैं, मान लीजिए कि हम पिक 2 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ से आप फॉर्मेट कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 5 अलग अलग फॉर्मेट आपको दिखा रहा है। तो हमने JPG सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक कर दिया। अब हमारी पिक्चर जो है वो डेस्कटॉप पर सेव हो गई है। अब इसको हम मिनिमाइज करके उसकी साइज चेक कर लेते हैं। तो देखिए पिक 2 जो हमने सेव किया था वो आ गया। अब यहाँ पर राइट क्लिक करिए और यहाँ पर प्रॉपर्टीज पर जब आप जाएंगे तो ये देखिए 152 KB। ठीक है, उसका साइज था 831 और इसका देखिए 152 KB। तो इस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सहायता से पिक्चर की साइज जो है वो कम कर सकते हैं।